स्टेज ते आसन ओए झलो एको किडे आला पए ओए एको ने मेरे साथ बहुत जुल्म हुई है ओए भैया के प्रोग्राम थी ना भाई मेरे साथ बहुत जुल्म हुई है चिरमैक से मैं वो दास्तान सबको सुनाना चाहता हूं पता नहीं कहां से आ जाते हैं जनाबे अली यहाँ पर मेरे साथ बहुत जुल्म किए गए सिर्फ इस बिना पर कि मैं काला हूं आप लोगों को क्या लगता है काले रंग का कोई फायदा नहीं काले रंग के दो बहुत बड़े फायदे हैं पहला ये वो वाइट रंग है जो हर रंग पे चढ़ जाता है दूसरा सूरज का रूप होने के बाद आप मुझे देख नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हैं आज की मेरी ये दास्तान उस हसीना के नाम जो मेरी जिंदगी में कभी आई ही नहीं आज की मेरी ये दास्तान उस दिन के नाम उस मनहूस दिन के नाम जिस दिन मैं पैदा हुआ आज की मेरी ये दास्तान उन हसीन लड़कियों के नाम जो हमारी यूनिवर्सिटी में पाई नहीं जाती आज की मेरी ये दास्तान कॉन्सर्ट डेकोरेटर्स के नाम जिन्होंने फंक्शन के साथ साथ बलि में कभी टच दिया है तो जनाब बात शुरू करता हूं अपनी पैदाइश से 4 फरवरी 1996 अमावस की रात थी हर तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था बिजली मामूल के मुताबिक गैर हाजिर थी हर तरफ साए साए थी गंगाराम अस्पताल में मरीज घोड़े बेचकर सो रहे थे अचानक जच्चा बच्चा खाने में खामोशी ने दम तोड़ा उए, उए। बच्चे माओ के सीनों से लिपट गए हर तरफ नफसा नफसी का आलम था न बाप को बेटे की फिक्र न बहन को भाई की फिक्र न माँ को बेटी की फिक्र असगर भाई वहां कोई खुदकश हमलावर नहीं गुजरा शोएब भाई वहां कोई धमाका नहीं हुआ मैं पैदा हुआ काले कोट वाले अगले रोज जोमे स्याह मनाने का इरादा रखते थे लेकिन मेरी पैदाइश के बाद जोमे काला स्याह मना डाला हुकूमत पाकिस्तान ने अगले रोज जोमे काला स्याह मना डाला उसके साथ साथ उलमाए दीन ने अवाम से सदका खैरात की अपील की और कहा ऐसी बलाएं कौमों पे आती रहती हैं ये बात मेरे वालिद मोहतरम को बहुत नागवार गुजरी वो हड़बड़ाकर ऑपरेशन थिएटर की जानिब बढ़े वहां से आयतन कुर्सी पड़ती हुई नर्स बाहर निकली और कहने लगी भाईजान बच्चा काला होता है बच्चा शदीद काला होता है बच्चा तूत काला होता है पर ये क्या काला कटा हुआ है जहांगीर भाई आप तो जानते हैं हम कालों के साथ बहुत जुल्म होते आए हैं अब आप देखें श्रीलंका के इश्तिहार में गोरे बच्चे क्यों आता है नीडो हमेशा गोरे बच्चे क्यों खाते हैं पैंपर हमेशा गोरे बच्चे क्यों पहनते हैं क्या हम कालों को आराम दे नींद का कोई हक नहीं क्या सिरिलैक खा के हमें उल्टियां आती हैं क्या नीडो हमें हजम नहीं होता जनाब अली हजम नहीं होता तो जनाब अली इस रवायत को तोड़ने के लिए मैंने टीवी पे आने का इरादा किया जब मैं टीवी पे पहुंचा तो पता चला टीवी का साइज बहुत छोटा मेरा साइज बहुत बड़ा था चुनाचे मैंने सिनेमा स्क्रीन का रुख किया 31 मार्च चेयरमैन साहब वो दिन अच्छी तरह मुझे आज भी याद है न तारों ने उगने से इकरार किया न सूरज ने गरूब होने से इनकार किया चिड़ियां चहचहा रही थी कवे बैतुल खला से हो आए थे और मैं घर से निकला सिनेमा स्क्रीन में पहुंचकर मेरा ऑडिशन लिया गया एक कैमरा इधर ना जाने कितने हजार इलेक्ट्रॉन वॉट मेरे मासूम से चेहरे पे मारे गए जनाब अली वो तो बाद में पता चला वो कोई फिल्म नहीं थी वो कोई ड्रामा नहीं था बल्कि वो तो फेयर एंड लवली का इश्तिहार था और मेरे साथ साथ यासिर शिराजी की तस्वीर लगाई गई और लिखा गया इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद चेयरमैन साहब मेरा क्या होगा मेरा तो मुकद्दर भी मेरे रंग की तरह से आया मैंने तंग आकर गर्ल्स कैंपस के बाहर हट्टी खोली वहां पर एक लड़की आई कहने लगी भाईजान लक्स साबुन है
मैंने कहा जी बिल्कुल है। कहने लगी हाथ धो के आधा किलो चीनी दे दें। तो मैंने तंग आकर नया बिजनेस स्टार्ट किया। आमिर भाई हाँ, मैंने तेल की रेड़ी लगा ली। एक बंदा आया कहने लगा भाईजान तेल असली है? मैंने कहा आप चेक कर सकते हैं। उसने माचिस निकाली और तेल को चेक किया चेयरमैन साहब, और तेल वाकई असली निकला। और मैं जहां जहां से काला नहीं था वहां वहां से काला हो गया। तो बात मोहसिन भाई, आपने भी कभी कैमरे पे झूला नहीं दिया, आप एनुअल फंक्शन पे काफी फंडिंग दी होगी, लेकिन हमें तो कभी ग्रीन कैफे की चाय भी नहीं पिलाई। यहाँ पे सारे लोग काफी खर्चा करके आए बैठे हैं, लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि जब आप लोग एडमिन में जाते हो आप काम फौरन हो जाते हैं, जबकि मैं इस रूम से उस रूम, उस रूम से इस रूम, इस रूम से उस रूम, क्या मेरे मुंह पे सांड बंद है? जनाब सोचने वाली बात है, हंसने वाली बात नहीं है। मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, या ये ज्यादती बलोचों के साथ हो रही है, या सराइकियों के साथ, या मेरे साथ। चेयरमैन सर, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या मेरा मुस्तकबिल मुकम्मल खत्म हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं, मैं प्रोफेसर बनूंगा काले इल्म का। लक्स वाले मेरे पीछे पीछे फिरते हैं, उन्हें डर है मैं उनका साबुन ना इस्तेमाल कर लूं। टीवी वाले भी मेरे पीछे पीछे फिरते हैं, वो एक बार किस्तों पे लिया था वापस नहीं किया। चेयरमैन साहब फिर भी तमाम चाइनीज हॉस्टलों के बाहर मेरा इंतजार करते हैं, क्योंकि मैं उन चाइनीज का ड्राइवर हूं। आखिर में चेयरमैन साहब बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्या हुआ अगर मेरा रंग है काला, खाता हूं मैं भी बिस्किट काला, मुझे इस यूनिवर्सिटी ने है आगोशे मोहब्बत में पाला, जिसके सिक्योरिटी ऑफिसर चलाते हैं डाला, आज मेरे मुंह पे ना लग सकेगा ताला, पर पप्पू कैंट है सला।